डिप्लोमेटिक एनक्लेव में आज मैंने सीडीए के चेयरमैन और डीसी इस्लामाबाद को हदायत की है कि इसको महफूज मॉडर्न सतह पर किया जाए और तमाम गेट्स और कैमरों का इजरा किया जाए। और मैंने पुलिस के लिए आमिर साहब को, चेयरमैन सीडीए को यह हदायत की है कि 190 कैमरे मजीद लगाए जाएं। और ये भी मैंने आमिर को, सीडीए के चेयरमैन को कहा है कि 112 का इजरा भी, और उनको नई गाड़ियां दे रहे हैं। और आज मैंने डीसी को और कमिश्नर दोनों को हदायत की है कि तमाम नालों के ऊपर इस्लामाबाद में जो लोगों ने तामीरात की हैं, सिर्फ नालों पर अपने घरों के लानों को बड़ा किया है और लोगों को दो जाने गई हैं इस्लामाबाद में, वो तमाम नाले क्लियर कर दिए जाएं और ये 30 अगस्त तक हो जाने चाहिए। एफआईए नादरा साइबर क्राइम्स में रोटेशन मुकम्मल करने की हिदायत दी है। लोग 10-10 सालों से, 18 सालों से बैठे हैं। 64 बैरून मुल्क मिशन में जो लोग बैठे हुए थे पासपोर्टों पर, 8-8 साल से, 5-5 साल से, सबको वापस बुला लिया। और अगर उनकी जगह मुतबादल लोग मेरिट पर बगैर किसी मुदाखलत के 64 लोगों को भेजा जा रहा है, को 8-10 एम्बेसियों के वीजे नहीं आए। और अगर जो बाहर मौजूद लोग हैं नादरा में और पासपोर्ट में, अगर वो 30 अगस्त तक उन्होंने आके अपने दफ्तरों में रिपोर्ट नहीं की, एक महीना कोविड की वजह से छूट दे रहा हूं, अगर 30 अगस्त तक उन्होंने रिपोर्ट ना की तो उन्हें नौकरियों से फारग कर दिया जाएगा। दे विल बी नो मोर द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वेयर दे वर वर्किंग एंड दे बीन अपॉइंटेड अब्रॉड एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सो लॉन्ग टाइम दे डोंट वॉन्ट टू कम, दे हैव देयर ग्रीन कार्ड्स और एनीथिंग, बट वी आर गोइंग टू डिसमिस देयर सर्विसेज फ्रॉम 30th अगस्त।